जापान जैसा बनेगा हिंदुस्तान। अब शहर नहीं स्मार्ट सिटी बसेंगी। तरक्की की राहें खुलेंगी, सपनों के शहर बसेंगे। साफ सुथरी सड़कों की सौगात मिलेगी। तकनीक और तेजी बदलेगी देश की तस्वीर। भारत में बनेंगे 100 टोक्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे से देश को नई सौगात मिलने वाली है। ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक समेत कई मामलों में हम भले ही अभी जापान से पीछे हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से अब इन सपनों के पूरा होने की आस जगी है। ये ऊंची ऊंची इमारतें, ये बड़े बड़े कारखाने, ये फ्लाईओवर, ये चमचमाती सड़कें, ये बुलेट ट्रेन, ये सारी तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि जापान ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किस कदर तरक्की की है। ये चमचमाता हुआ जापान है जो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी मिसाल है। ये वही जापान है जो दूसरे विश्व युद्ध में हुई अपनी बर्बादी के बाद फिर से मजबूती के साथ उठ खड़ा हुआ। उसने खुद को नए सिरे से संवारने पर पूरा जोर लगा दिया। उसने बुनियादी ढांचे के विकास को तरजीह दी और आज तस्वीर सबके सामने है। जापान ही वो पहला देश है जहाँ से शिनकानसेन की शुरुआत हुई थी और उसके बाद इसका जाल दुनिया भर में फैल गया और आज की तारीख में जापान ब्राज़ील तक को, तमाम देशों समेत ब्राज़ील को भी अपनी शिनकानसेन नेटवर्क बिछाने में सहायता कर रहा है और भारत को जापान से बहुत सारी उम्मीदें हैं। जापान की तरक्की जिस बुनियादी ढांचे पर खड़ी है उसकी शुरुआत को करीब 5 दशक ही हो रहे हैं। जापान ने कई क्षेत्रों पर एक साथ ध्यान दिया। राष्ट्रीय स्तर पर एक्सप्रेसवे का नेटवर्क खड़ा करने के लिए जापान ने 1956 में जापान हाईवे पब्लिक कॉरपोरेशन बनाया था। आज जापान में करीब 12 लाख किलोमीटर चमचमा और ये सीधी तस्वीरें टोक्यो के आकासाका पैलेस की आप देख रहे हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है। एक वेलकम सेरेमनी प्रधानमंत्री मोदी के लिए। तो टोक्यो का आकासाका पैलेस जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये एक वेलकम सेरेमनी है और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे उनके साथ हैं और ये एक तरह का औपचारिक स्वागत उनका आकासाका पैलेस में। हालांकि इससे पहले शिंजो आबे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। जब वो भारत से क्योटो पहुंचे थे तो वो स्वागत के लिए खुद पहुंचे थे, लेकिन ये एक औपचारिक स्वागत है और अब इसके बाद शुरू होंगी जो समिट टॉक्स हैं, जो शिखर वार्ता है, इसके बाद शुरुआत होगी उसकी। आकासाका पैलेस जो कि एक इंपीरियल पैलेस जापान का, टोक्यो का, लेकिन अब ये फॉरेन डिग्निट्रीज जो आते हैं, जो अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, उनका स्वागत यहाँ इस आकासाका पैलेस में किया जाता है।
प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर उनके स्वागत में एक सेरेमनी, जिसके बाद अब जो जापानीज डेलीगेशन है वहाँ पर, जिसके साथ ये शिखर वार्ता आगे बढ़ाई जाएगी, उनसे भेंट करते हुए, उनसे मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री शिंजो आबे खुद प्रधानमंत्री मोदी को इस पूरे डेलीगेशन से मिलवा रहे हैं। और ये वो पूरी टीम है जिसके साथ इंडियन डेलीगेशन अब इस बैठक को आगे बढ़ाएगा। कई करार, कई मुद्दों को लेकर बातचीत होगी और कई अहम अग्रीमेंट्स पर नजर रहेगी अब से थोड़ी देर बाद जब ये शिखर वार्ता शुरू होती है। इसमें सबसे अहम सिविल न्यूक्लियर डील का मुद्दा, प्रधानमंत्री मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले जब बिजनेस डेलीगेट से भी बात की तो उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा की ज़रूरत है भारत को, और सीधे सीधे संकेत सिविल न्यूक्लियर डील की तरफ, जो पिछले 3 सालों से जिस पर काम चल रहा है लेकिन अभी तक उसकी रूपरेखा तैयार नहीं हुई है। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से वो डील सामने आएगी। इसके साथ साथ रक्षा सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में भी कई अहम डील्स सामने आ सकती हैं और प्रधानमंत्री मोदी की पूरी कोशिश कि भारत और जापान के इस रिश्ते को एक शिखर तक पहुंचाया जाए। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ हैं टोक्यो से। अभिषेक, अब से थोड़ी देर पहले आकासाका पैलेस में अब स्वागत हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का और अब शुरुआत होगी उस अहम वार्ता की जिससे कई अहम अग्रीमेंट्स और करार की हम उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो ऑफिशियल वेलकम हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का, इसके बाद अब जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है इस पूरी यात्रा का सुचारता, वो अब नजदीक आ गया है। अब डेलीगेशन लेवल टॉक्स होंगी दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में, शिखर वार्ता हम कह सकते हैं, और उसके बाद एग्रीमेंट साइन होंगे। ज्वाइंट जो प्रेस को एड्रेस जो का रिलीज है वो दोनों प्रधानमंत्रियों की ओर से दी जाएगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण वक्त है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो भी एग्रीमेंट साइन होंगे ये बहुआयामी होंगे, यानी कि इनका जो पूरा एक दायरा होगा उस दायरे में आर्थिक मुद्दों से जुड़े चीजें होंगी, सामरिक मुद्दे होंगे, पर्यावरण से मुद्दे होंगे, और इसके अलावा जो कल्चरल हेरिटेज की बात की जा रही है, जापान के भारत में निवेश करने की जो संभावनाएं हैं उससे जुड़ी जो बातें हैं, और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी, इन तमाम मुद्दों पर इस पूरी वार्ता में चर्चा हो सकती है। बिल्कुल अभिषेक, जापान एकमात्र देश जिसने न्यूक्लियर बम का दंश देखा है, झेला है, उस डेवेस्टेशन को देखा है, इसके बाद वहाँ किस तरह की चर्चाएं हैं, कितनी उम्मीद के एक सिविल न्यूक्लियर डील दोनों देशों के बीच होगी, क्योंकि भारत ना तो एनपीटी का हिस्सा है ना ही सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। ये देखिए, ये एक एनपीटी और सीटीबीटी को लेकर के जो रिजर्वेशन जापान के रहे हैं अभी तक, ये एक बड़ी वजह रही है कि इस तरह की डील नहीं हो पाई। दूसरी बात ये कि भारत ये चाहता है कि 2008 में जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी उसी पैटर्न पर जापान के साथ उसकी डील हो, और उसका एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है इस सुचारता जो भारत और यूएस के बीच न्यूक्लियर डील हुई थी, कि अगर इनकेस न्यूक्लियर टेस्टिंग, न्यूक्लियर परमाणु परीक्षण करता है देश तो उसके बाद भी टर्मिनेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल का वक्त चाहिए, उसके पहले टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी बातें, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है कि एक जो ब्रॉडर जो फ्रेमवर्क है, एक जो एक मोटी मोटी जो जो सहमति है वो तैयार हो चुकी है, और अभी जो बातचीत होगी उस बातचीत में ये उम्मीद की जा रही है कि कोई ना कोई इस मुद्दे को लेकर के भी कदम जरूर सामने आएगा। और जो और एक बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये डील मेटेरियलाइज होती है तो इससे जापान की कंपनियों को भी बहुत फायदा होने जा रहा है, भारत में उनके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी। तो आकासाका पैलेस में भारत का राष्ट्रगान बजाया गया और ये प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के दौरान, जिसके बाद ये तस्वीरें जो
भारतीय डेलीगेशन है उससे प्रधानमंत्री मोदी शिंजो आबे को की मुलाकात करवा रहे हैं, और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को जापानीज डेलीगेशन से मिलवाया गया। और बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव ये प्रधानमंत्री मोदी के इस जापान दौरे का है, क्योंकि आज के दिन कई अहम करार सामने आ सकते हैं। बहुत सी उम्मीदें जताई जा रही हैं, भारत में भी ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कारगर है या नहीं, ये आज का दिन से तय होगा। क्या क्या निकल कर आता है? तो टोक्यो के आकासाका पैलेस में अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां पर उनका औपचारिक स्वागत किया गया। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे खुद मौजूद थे और बकायदा दोनों तरफ के डेलीगेशन से मुलाकात की है दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है इस 5 दिन के दौरे का, प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे का, उसकी शुरुआत शिखर वार्ता जो है, जो डेलीगेशन लेवल टॉक्स हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है टोक्यो के इस आकासाका पैलेस में।